क्या टमाटर के पकौड़े? कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे आप भी। मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था। लेकिन when I tried it, it tastes just so amazing। तो वही अमेजिंग टेस्ट ऑफ टमाटर पूरी या पकौड़े चलिए आज रंगीन रसोई शेयर करता है आपके साथ। ये वीडियो जरूर से पूरा देखें और प्लीज रंगीन रसोई को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला, जिसके लिए हमें चाहिए एक कप जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, एक छोटी चम्मच काली मिर्च, डेढ़ चम्मच धनिया जीरा पाउडर, एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच चाट मसाला और एक चम्मच नमक। तो पहले हमें जीरा और काली मिर्च को सेक लेना है, यानी कि हम रोस्ट करेंगे क्यूमिन सीड्स और ब्लैक पेपर को। मीडियम फ्लेम का यूज करते हुए हम इसे सेक लेंगे। अगर हाई फ्लेम का यूज करेंगे तो ये जल जाएगा, सो प्लीज यूज मीडियम फ्लेम एंड इसे इस तरह लगातार चलाते रहे, वरना भी ये जल जाएगा। नहीं, ये यहाँ पर जला नहीं है, इसे ऐसा ही सेकना है। इसका कलर ब्लैक हो जाए तब तक हम इसे सेकेंगे। जब ये रोस्ट होकर तैयार हो जाएगा तब हम इसे ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए। तो अब ये तैयार है, इसे नीचे ले लेते हैं। इसे ठंडा करने के बाद एक मिक्सी जार में इसे निकाल लें। ये बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखिए कि ये कच्चा ना रह जाए। अब इसमें ऐड कर दें चाट मसाला, धनिया जीरा पाउडर, काला नमक और नमक। इसे हम क्रश कर लेंगे मिक्सी में, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनाएंगे इसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जीरा है वो थोड़ा थोड़ा हमने वैसा ही रहने दिया है, एकदम पाउडर नहीं बनाया है। सो नाउ दिस इज रेडी। तो अब हम बनाएंगे ग्रीन पेस्ट टमाटर पूरी के लिए। वी विल बी यूजिंग 1 कप हरा धनिया, 3 छोटी हरी मिर्च, अदरक का 1 टुकड़ा, 6 से 7 लहसुन की कली, 1 टीस्पून जितना नमक, 3 से 4 बड़ी हरी मिर्च और ज़रूरत के हिसाब से पानी। तो मिक्सी जार में लेंगे हम हरा धनिया, बड़ी हरी मिर्च, छोटी मिर्च मैं हमेशा यूज़ करती हूँ बिकॉज इट गिव्स स्पाइसी टेस्ट, गार्लिक, जिंजर, नमक और पानी 2 से 3 स्पून, बिकॉज इसे हमें थिक रखना है, क्योंकि ये पेस्ट को हम लगाएंगे टमाटर के ऊपर, तो बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा। यहाँ पर ये भी बनके तैयार है, तो आप बहुत आसानी से इसकी थिकनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने वैसे भी सब कुछ ग्राइंड करने के लिए सिर्फ 2 चम्मच पानी का यूज़ किया है। यहाँ पर ये आसानी से चम्मच से नीचे भी नहीं गिर रही, तो बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ग्रीन पेस्ट की। तो पहले हम बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम लेंगे 1 कप बेसन, 1 चम्मच नमक और पानी ज़रूरत के हिसाब से। 1 मिक्सिंग बाउल में बेसन लेंगे पहले थोड़ा सा और नमक ऐड करेंगे साथ में, और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक थिक बैटर तैयार कर लेंगे। याद रखिए हमें इसमें कोई लम्स नहीं आने देने, जिसके लिए हमने यहाँ पर बेसन को छलनी से साफ करके लिया है, ताकि अगर कोई लम्स हो बेसन में तो वो निकल जाए पहले से ही। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा बेसन और पानी ऐड करते हुए एक थिक बैटर तैयार कर लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसमें टमाटर की पूरी को डिप करेंगे तो वो अच्छे से कोट नहीं होगी अगर बैटर थिन हुआ तो। दैट इज़ वाई मेक श्योर कि बैटर थिक रहे, और जितना आप ये बैटर को विस्क करेंगे मिलाएंगे ये उतना ही स्मूथ बनेगा, और हमारी कोटिंग भी उतनी ही स्मूथ और फ्लफी बनेगी। यहाँ पर हमारा बैटर बनके तैयार है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, एकदम परफेक्ट, जिससे कि टमाटर की स्लाइस अच्छे से कोट हो सके। टमाटर पूरी के लिए ऑफकोर्स हम लेंगे टमाटर, लेकिन दैट विल बी लाइक बिगिन साइज, एटलीस्ट मीडियम साइज के होने चाहिए एंड जिसमें ज़्यादा जूस ना हो, यानी कि सख्त हो। तो टमाटर को मैंने यहाँ पर इस तरह राउंड स्लाइसिस में काट लिया है, इतनी थिकनेस वाली स्लाइस में ही हमें इसे काटना है। यहाँ पर आप सभी टमाटर के स्लाइसिस की थिकनेस देख सकते हैं। सो नाउ हम इसके ऊपर हमारी बनाई हुई ग्रीन पेस्ट या ग्रीन चटनी स्प्रेड करेंगे, थोड़ा बॉर्डर से दूर लगाएंगे ताकि जब हम इसे कोट या फ्राई करें
तो ये बाहर ना निकल जाए। एंड ऑल्सो ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम या बहुत ज़्यादा लगाएं, क्योंकि अगर कम लगाएंगे तो फिर टेस्ट ही क्या आएगा, सिर्फ बेसन और टमाटर का। एंड इफ एक्सेस लगाएंगे तो फिर ये बाहर निकल सकती है कोट या फ्राई करते टाइम। सो इसे हम थोड़ा बॉर्डर से दूर और प्रॉपर क्वांटिटी में लगाएंगे। ऑल्सो दिस इज वेरी फेमस ऑफ डूमस बीच इन सूरत, हॉन्टेड प्लेस बट अमेजिंग फूड। हाँ, सो लाइक दिस सब स्लाइसिस पर पेस्ट लगाकर तैयार है। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे बनाया हुआ मसाला। बैटर और चटनी में ऑलरेडी नमक है तो इसके क्वांटिटी को ज़रा ध्यान से डालेंगे। तो तेल मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था। तो अब हम टमाटर की स्लाइस को बनाए हुए बेसन के बैटर में डीप करेंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे और तेल में फ्राई करने के लिए रखते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें स्लाइसिस को अच्छे से कोट करना है, मेक श्योर दैट द कोटिंग इज एवरीवेयर, और इसे फ्राई करते जाना है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ज़्यादा फ्लेम पर तो ये जल जाएंगे। तो इसे इसी तरह से पलटाते हुए फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसे। तो ये फ्राई होकर तैयार है एंड यू कैन सी द कलर। तो इसे बाहर निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर में। एंड इन द सेम वे हम बाकी की भी सारी पूरी फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पर बबल देख पा रहे होंगे तेल में, इट्स बिकॉज कि टमाटर में पानी होता है एंड जब पानी गर्म तेल में मिक्स होगा तो फिर यही होगा। एंड दिस इज द रीज़न कि आई वॉज एडवाइसिंग यू कि हो सके वहाँ तक कम जूस वाले सब टमाटर का इस्तेमाल करें। ये भी एकदम गोल गोल अच्छे से हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं, तो इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लाल टमाटर एंड साथ में ग्रीन पेस्ट, बहुत ही लाजवाब लगते हैं ये स्वाद में। खास करके बारिश और सर्दियों में तो मज़ा ही आ जाता है इसे खाने का। मैंने तो इसे यहाँ पर केचप के साथ सर्व किया है, लेकिन आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो इस बारिश की सीज़न में इनका लुत्फ ज़रूर उठाइए और फिर हमें बताइए आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ पाने के लिए रंगीन रसोई को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हैप्पी ईटिंग।